हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड। आइए बच्चों, आपकी हिंदी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की क्लास में हिंदी ग्रामर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरा विद्यालय। ठीक है, ये आपका ग्रामर का टॉपिक है और इसे वाक्य लेखन भी कह सकते हैं। आप लोग पहले दो वाक्य लेखन पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? एक तो हमने गाय के ऊपर वाक्य लेखन पढ़ा था और एक कुत्ता के ऊपर। ठीक है, आज हम मेरा विद्यालय के ऊपर वाक्य लेखन पढ़ेंगे। नंबर वन, मेरे विद्यालय का नाम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल है। क्या नाम है मेरे विद्यालय का? आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। ठीक है, यह सीही गेट पर स्थित है, यानी कि यह सीही गेट पर है। कहाँ पर है? सीही गेट पर। मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। कितने कमरे हैं मेरे विद्यालय में? 20। सभी कमरों में दो दो पंखे लगे हुए हैं। सभी कमरे खुले व हवादार हैं। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। क्या है? एक खेल का मैदान। ठीक है, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है, जिसे आप लाइब्रेरी बोलते हैं, वो होता है पुस्तकालय। ठीक है, इंग्लिश में उसे लाइब्रेरी कहते हैं, हिंदी में पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकें रखने की जो जगह होती है वहाँ पर पुस्तकालय बोलते हैं। ठीक है, मेरे विद्यालय में 20 अध्यापिकाएँ हैं। सभी अध्यापिकाएँ शिक्षित और योग्य हैं, यानी कि वो अच्छे से पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों? ये पहले एक बार वीडियो में देख के अच्छे से रीड करना है। ठीक है, उसके रीड करने के बाद फिर आपको क्या करना है? दोबारा से अगेन कॉपी में लिखना है, देख देख करके जो मैं आपको भेजूंगी उसमें नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, ग्रामर की में, हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करने के बाद आपको फिर से रीड करना है ताकि आप इसे याद कर पाएँ। और फिर आपको इसको दो चार बार और रीड करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, आया समझ में? आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।